ये व्यूज देखिए आप, मुझे लगा था यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट में पार्किंग देख के मैं चौंक गया हूँ। अभी यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ पे ये जो बोटिंग है ये आप देख सकते हो, स्पीड बोटिंग है, कायाकिंग है, सभी यहाँ पे आप कर सकते हो। रेगुलर बोट्स भी है, बहुत सारे टाइप्स एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये है मिनी कश्मीर गाइस। इसे मिनी कश्मीर क्यों कहा जाता है ये आप इस व्यू से देख सकते हो। यहाँ पे ये सभी बोट्स है, ये आपके लिए ऑप्शन है, पावर बोट्स हो या फिर ये बाकी सारे जो मोटर बोट्स हो। यहाँ पे अगर आपको शिव सागर दर्शन के लिए जाना हो तो आपको लगेंगे 400 रुपये, त्रिवेणी संगम के लिए लगेंगे 800 रुपये, और दत्त मंदिर के लिए लगेंगे 1500 रुपये, है ना। टोटल पैकेज इनका 3000 में, 3000 में इनका टोटल पैकेज है, और 4 से 5 लोगों के लिए ये पैकेज है। सो आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो, और 1 से 4 लोग हो तो भी सेम रेट है। सो ये यहाँ पे रहा इनका ऑफिस। पहले आप ऑफिस में बुकिंग करोगे बोट का, फिर यहाँ से बोट की अनाउंसमेंट होती है, आपके बोट नंबर क्या है, और फिर बोट से आप जाओगे, है ना। यह है विशाल बोट क्लब, कापोला में ही है। ये सारे जो बोट क्लब्स है, मतलब अभी तो मेजर ऐसे ये दो ही है, विशाल और कालेश्वरी। तो ये जो दो बोट क्लब्स है ये मिनी कश्मीर का ही पार्ट है, मतलब तापोला गांव को ही मिनी कश्मीर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी पार्ट पे आओ, अभी ये पूरा एंड है तापोला का। तो यहाँ पे भी अगर आप आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। कश्मीर का फील देता है। हाँ, सामने आपको दोनों ही, अभी ये भी आपको दिखाएंगे इसके रेट भी क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आ सकते हो कि जहाँ से आपको अच्छा लगे, है ना। इसको वैसे बैक वाटर व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैक वाटर्स है कोयना रिवर के वगैरह। तो यहाँ से आप ऐसे शाम को या फिर दोपहर को सुबह आओ और ये व्यू एंजॉय करके थोड़ा सा बोटिंग करके वापस जा सकते हो, है ना। ये यहाँ का पूरा पार्किंग है, तो कार पार्क की जा सकते, बड़ा सा पार्किंग है। अभी यहाँ पे बहुत हद तक लोग हैं, फिर भी गाड़ियाँ बहुत सी बैठ जाती है, 12-20 गाड़ियाँ बैठ जाती है। पार्किंग को भी दिक्कत है, मुझे लगता है ये मिनी कश्मीर देख के अभी कश्मीर अब जाना चाहिए। बोटिंग करनी हो तो वहाँ से एंट्री है, वरना यहाँ से ये पॉइंट है फोटोशूट के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट्स होते हैं भी एक्चुअली। बिल्कुल साफ पानी है वैसे, है ना। ये नज़ारा भी शाम के वक्त वगैरह, सनसेट जब होगा तब ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, है ना। वो लहरों पे कैसी चमक आ गई है ना। हाँ, सिल्वर चमक आ गई है। जैसा कि मैंने कहा कि ये आप रेट्स पढ़ सकते हो, 20 मिनट्स के लिए 1800 रुपये, 1 आवर के लिए 900 रुपये, आइलैंड पॉइंट, त्रिवेणी संगम और दत्त मंदिर के लिए है 2700 रुपये। त्रिवेणी संगम के लिए है 1800 रुपये 1 आवर, और दत्त मंदिर के लिए है 2700 रुपीज़ 2 घंटे के लिए, और वासुदेव फोर्ट के लिए है और कोयना सेंचुरी दोनों मिलके है 5000 रुपये, 8 घंटे की ट्रिप होगी। ये है यहाँ का शिव सागर पॉइंट। सो जब हम तापोला से वापस जा रहे होते हैं महाबलेश्वर, तब ये पॉइंट लगता है, यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो। सो यहाँ से ये कोयना रिवर के जो बैक वाटर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। फोटोशूट के लिए तो एकदम ही बढ़िया नज़ारा है, नीचे से और ज़्यादा नेचुरल व्यूज़ मिलेंगे आपको ऊपर के बजाय, है ना। यहाँ पे वगैरह बैठा जा सकता है शाम के वक्त, सनसेट सनराइज़ यहाँ से बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखेंगे। अभी भी देखिए ये कोयना रिवर कैसी ऐसी स्नेक जैसी दिख रही है, अच्छा लग रहा है। ये जो एक हर एक जो आइलैंड टाइप बना है, ये सारी यहाँ पे सीनिक प्लेसेस है। इनमें से कुछ पे बोटिंग क्लब्स बने हुए हैं और कुछ पे प्लेन सिर्फ ट्रीज है, है ना। वो क्या है, अक्षर रॉक है क्या। हाँ वो देखिए, ऐसे ये पॉइंट्स भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आओ तो ये शिव सागर पॉइंट है, यहाँ से ये ऐसे बढ़िया व्यूज है। कुछ इस टाइप की सीनिक फोटोग्राफी आप यहाँ से कर सकते हो, मॉम डैड की फोटोग्राफी चलती रहती है। हाँ बहुत अच्छी स्टाइल की है आपने। वैसे डैड वो वहाँ पे दूर का मंदिर दिखा रहे हैं, वो भी कैमरा में शायद से ही कैप्चर हो पाएगा, वो जो मंदिर है वहाँ पे वो दिखा रहा है डैड। फोटोज में वो अच्छे से कैप्चर होता है वीडियोस से, है ना। अच्छी आई है फोटोज आपकी। पॉइंट देखने के लिए यहाँ पे भीड़ देखिए, सारे ही लोग यहाँ पे रुकते हैं और
फोटो शूट करके आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब यहाँ के लोग उसको क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन उसका मेन नाम है श्री क्षेत्र महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर का मेन टेम्पल है, महाबलेश्वर टेम्पल ही उसका नाम है। अभी चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है एक ही जगह पे, तो वो देखेंगे। ये वहाँ जाने के लिए मेन रोड है। आप इसे मैप्स पे भी अगर श्री महाबलेश्वर मंदिर सर्च करो तो भी मैप से आप इसी रोड से आओगे। महाबलेश्वर के सभी रोड्स ऐसे ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल नैरो। इस क्लाइमेट, पीसफुल क्लाइमेट से मुझे नींद भी आ रही है और देखने का भी मन कर रहा है। अभी कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, नींद ले ली तो ये मिस करूंगी। हाँ यहाँ पे देखिए, इसी टाइप का ट्रैफिक था पिछली बार भी। देखिए ये इतना ट्रैफिक है अभी जाने के लिए, लेकिन हम ये रोड अवॉइड करके दूसरे रोड से जाएंगे। यहाँ पे ये लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है जहाँ से हम टिकट लेते हैं ना वहाँ से, और अभी ये बढ़ती ही जा रही है। मतलब मुझे लगा नहीं था एक्चुअली कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन ये देखो आप, कार्स खिलौनों की कार्स की तरह ऐड होती ही जा रही है अभी इसमें है ना, रेसिंग चल रही है। हाँ मतलब ये देखिए, मतलब कार आती ही जा रही है, आती जा रही है, और वो लाइन मुझे नहीं लगता कि शाम तक उन लोगों को टिकट मिलने वाला है। हाँ अच्छा हो गया, जल्दी आ गए, हमारा जगह हो गया। हाँ मतलब बहुत बहुत जल्दी आना पड़ेगा आपको, मतलब लगभग 7 बजे वगैरह वहाँ पे अगर टिकट निकाले तो ठीक है, वरना मतलब बहुत ही 3 घंटे टिकट निकालने में ही चले जाएंगे, इतनी लाइन है। हॉल्ट भी करना हो लेकिन पॉइंट्स क्लोज हो जाते हैं, दिन के 3 घंटे आप ट्रैफिक में ही निकालोगे वो भी सिर्फ टिकट निकालने के लिए, तो उसमें कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है, है ना। इससे अच्छा कि घर से सुबह जल्दी निकल के यहाँ पे जल्दी आ जाइए, और फिर हमारी तरह वो आगे वाले पॉइंट करके अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल, तो वैसा करना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से।